अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट ग्रॉसरी शॉपिंग। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो बस अब नाश्ते के फौरन बाद ही निकल रहे हैं हम लोग मामा और मैं। ओके देन वी आर गोइंग टू द आउट मार्ट। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग एंड कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करूंगी, तो प्लीज व्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत मजे का व्लॉग होने वाला है। और होप सो कि ये व्लॉग आप लोगों के काम आए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाली हूँ जो मुझे यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। यस, तो आज की ग्रॉसरी शॉपिंग कैसी रही मेरी, जानने के लिए देखे मेरा ये व्लॉग। नाउ वी आर रीच्ड एंड जाते ही मुझे सबसे पहले अपना ये हर्शीज सिरप नज़र आ गया, चॉकलेट सिरप। ये मुझे बहुत पसंद है, इतना मज़े का टेस्ट है इसका। और जब आप केक घर पे खुद बेक करते हो ना, तो ऊपर चॉकलेट जो आप लगाते हो तो उस पर आप ये यूज़ कर सकते हो, हर्शीज चॉकलेट सिरप। बहुत मज़े का लगता है और आपका केक तो भाई उफ बनेगा, बहुत यमी बनेगा। जो लोग खुद घर पे केक बेक करते हैं तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। देन डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन विद मी। यू नो व्हाट, आई लव बेकिंग। आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं अपनी केक रेसिपी शेयर करूँगी। जी, तो यहाँ से हम गुजर रहे थे और मैंने ट्रॉली में एक बच्चा बैठा हुआ देखा और मुझे अपना लिटरली बचपन याद आा गया था। और मेरी ऐसी सेम ऐसी एक पिक्चर है ट्रॉली में बैठी हुई बचपन की। मामा शॉपिंग कर रही हैं, ग्रॉसरी कर रही हैं एंड मैं बड़े मज़े से बैठ के घूम रही हूँ और इतनी क्यूट मेरी पिक्चर है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। आई विश के अभी भी ऐसे ट्रॉली में बैठ के हम शॉपिंग करते, मज़े करते एंड झूला भी मिल रहा होता और मज़े से शॉपिंग भी हो रही होती, कितना इन्जॉय करते, कितना मज़ा आता। खैर, अब मामा यहाँ बोरिंग बोरिंग सी चीज़ें ले रही हैं जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भाई शॉपिंग करनी आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई लव शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मामा जो यहाँ घर का सामान ले रही हैं थोड़ा बोरिंग सा है। खैर, मैं बहुत बोरिंग बोरिंग बोल रही हूँ, लेकिन जब मामा ये व्लॉग देखेंगी तो मुझे बोलेंगी ये बोरिंग चीज़ें नहीं है बेटा, ये घर की चीज़ें हैं, तुम भी इंटरेस्ट शो करो और लेना सीखो। एनीवे, ये तो जस्ट मजाक था, लेकिन सच में हमें शॉपिंग करनी आनी चाहिए और घर का हर सामान लेना आना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी की तो चीज़ें बड़े शौक से ले लेते हैं, मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई, बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, ड्रेसेस हो गए एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन ये चीज़ें भी घर का जो आइटम होता है ये लेना भी आना चाहिए और हर लड़की के लिए ज़रूरी है। जी, तो लक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक सोप एंड हैंड वॉशेस वगैरह, ये बेस्ट है। ये हैंड वॉश तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छा है सीरियसली। आफ्टर यूजिंग दिस हैंड वॉश योर हैंड्स विल बी वेरी सॉफ्ट एंड नरम मुलायम, मज़े के हो जाएंगे। और हाँ, फ्रेगनेंस तो बहुत ही प्यारी है। नाउ फाइनली मैं आ गई अपनी फेवरेट जगह पे, जहाँ मुझे मज़े मज़े की खाने की चीज़ें मिलेंगी। पता है मुझे मीठा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, लाइक चॉकलेट्स, वेफर्स, बिस्किट्स एंड कोकोमो वगैरह। और मामा फिर आ गई हैं अपना सामान लेने के लिए, जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ दिलवाते और फिर हम अपने काम करेंगे। वैसे ही मामा ने मुझे बहलाया कि तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ें दिलवाती हूँ फिर मैं अपना काम करूँगी। तो अब मामा भी खुश और मैं भी खुश। यस, तो यहाँ मामा सारा अपना सामान ले लें, फिर हम चलेंगे स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ। वैसे दाऊद मार्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, लाइक रिलैक्स होकर आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे एंड हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये नहीं होता कि आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, आप परेशान हो रहे हो, हर चीज़ आपको मिल जाती है। हैदराबाद वालों को तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि महीने की शॉपिंग आराम से रिलैक्स होकर करनी है तो दाऊद मार्ट आएँ और अपनी ग्रॉसरी करें, इंजॉय करें। Thank you.
यहाँ सारे स्पाइसेस थे और लिटरली यहाँ के स्पाइसेस बहुत फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं। और यहाँ एक साथ इतने सारे मसाले देख के तो बिरयानी एंड चटपटे खानों की वाइब्स आ रही हैं। और लिटरली यहाँ का जो अचार मसाला है ना, वो तो बहुत ही मज़े का है। मामा जब भी लौंजी बनाती है ना, जो कच्चे आम की कैरी की जो बनती है, शायद आप लोगों ने खाई हो, हमारे घर में तो बहुत शौक से खाई जाती है, तो मामा लौंजी में यहीं का अचार मसाला यूज़ करती हैं। और इतनी देर से मैं चिल्ली मिली ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे अपनी चिल्ली मिली मिल गई। ओके देन, अब हम जा रहे हैं स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट की तरफ। अब मैं आई हूँ फेस वॉश लेने। पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है एंड ब्राइटर लुक के लिए बेस्ट है ये फेस वॉश। तो मैं आपको आंखें बंद करके रिकमेंड करूँगी, बेस्ट है, इसको यूज़ करें। देन आफ्टर यूज़ इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब किस पर्पस के लिए आते हैं? ऑयली स्किन के लिए आते हैं? ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन। सीरम के अलावा मैं आपको ना डबल एक्शन क्लींजर दिखा रही हूँ, मतलब ये ऑल ओवर फेस को कवर करेगा। इससे जो स्किन पे डार्क से डार्क स्पॉट होते हैं, स्किन इश्यू होते हैं, वो क्लियर करता है व्हाइटनिंग के साथ। सीरम सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, फीडबैक अच्छा है इसका। अच्छा, लॉफ्टी का प्रोडक्ट है, बाइनिंग जाते हैं। ये एक क्लेंजर है लॉफ्टी का एंड आई डोंट नो ये कैसा है, मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए अबाउट दिस क्लेंजर। अच्छा, मुझे सिरम लेना था, मैंने इनको सिरम का कहा था, गार्नियर का मैं यूज़ करती हूँ, अच्छे रिजल्ट हैं उसके, लेकिन उन्होंने कहा कि गार्नियर जस्ट आपको सिरम जो है जस्ट आपको मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को, लेकिन ये जो क्लेंजर है ये आपको वाइटनिंग लुक देगा एंड डार्क स्पॉट्स रिमूव करेगा। इफ़ किसी ने ये क्लेंजर यूज़ किया है तो मुझसे फीडबैक ज़रूर शेयर करें। देन मैं शैम्पू परचेज करी थी और मैं यूज़ करती हूँ पमोलिव का, बेहतरीन शैम्पू है ये, सबके हेयर टाइप के हिसाब से उन पे सूट करता है, मुझ पे पमोलिव बहुत सूट करता है। तो खैर, यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि अगर आप पमोलिव शैम्पू लेती हैं तो फिर आपको एक गिफ्ट मिलेगा नीचे से, तो लेट्स सी वो क्या गिफ्ट होता है। देन मुझे कंडीशनर लेना था और मैं लॉरियल का कंडीशनर यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इन्होंने कहा यहीं पे होगा, सर्च करें आप। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे जस्ट शैम्पूज हैं, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं मिला, अब आगे देखते मिलता है नहीं मिलता। और पता है, लॉरियल के अलावा कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती मैं, लिटरली मेरे बालों को बहुत सूट करता है वो जी। तो मैं इस सीरम की बात कर रही थी और ये ऑल स्किन टाइप है, बहुत अच्छा है, अगर किसी ने यूज़ किया है तो मुझसे अपना फीडबैक शेयर करें। डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है, ब्राइटर लुक के लिए बेस्ट है, मुझे तो बहुत सूट करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी 100%। नाउ वी मूव टूवर्ड्स ब्रश साइड। जी, तो ब्रशेस जब भी परचेज करें तो यही देख के परचेज करें, जब ये आपकी स्कैल्प पे लगें तो आपको इरिटेट ना करें, भले ब्रशेज हों या कॉम्बो। खैर, मैं ब्रशेज यूज़ करती हूँ, उससे आपका हेयर फॉल नहीं होता इतना ज़्यादा। और ब्रश पता है मुझे कलरफुल एंड प्रिंटेड बहुत मज़े के कलर्स आ रहे हैं उसमें, ऐसे डिज़ाइंस के पसंद है, मतलब अच्छा सा वाइब आता है आपको कॉम करके, ब्रश करके अपने हेयर्स में। आपने अभी हुदा क्या पूछा है ना, हुदा में हमारे पास दो शेड है, ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, अगर आपकी स्किन पे चलता है तो दिखा दूंगी, ओरिजिनल होगा। ओके, आपकी स्किन पे डार्क है। दोनों शेड आपकी स्किन पे डार्क हो जाते हैं, हमारे पास अभी दो अवेलेबल होता है। अच्छा, तो जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि मैं फिटमे की फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन हुदा भी बेस्ट है, तो मैंने कहा चलो इस बार हुदा ट्राई करती हूँ। यहाँ आई तो दोनों शेड्स डार्क थे मेरी स्किन पे, देन शी सेड मैं आपको दूसरे ब्रांड में दिखा देती हूँ। मैंने इनसे कहा जी तो बस आप फिर मुझे फिटमे की दिखाएं, फिर ये लेकर आई दो शेड जो मेरी स्किन पे मैच कर रहे थे। इन्होंने भी सेम फीडबैक दिया जो मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट फिटमे फाउंडेशन, बेस्ट है, ऑयल कंट्रोल है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे अच्छी बात ये कि लॉन्ग लास्टिंग है और आपका जो नेचुरल लुक होता है ना, लाइक आपका जो लाइट कवरेज होती है वो वाली फाउंडेशन है ये, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हैवी लुक बिल्कुल नहीं देगी। फिटिंग कॉर्नर्स लाइट कवरेज है, ऐसा नहीं है फिट कवरेज है, और लास्टिंग भी अच्छी है इसकी, ऑयल कंट्रोल है, मैट होती है। जी, तो यहाँ जो इन्होंने फीडबैक दिया था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है,
अगर किसी को लेना है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। देन अब ये दूसरा शेड लेकर आई थी और वो मेरे हाथ पे चेक कर रही थी, तो दोनों शेड्स मुझे बेस्ट लगे अपने स्किन टोन के हिसाब से, स्किन कलर पे मेरे मैच कर रहे थे। फाउंडेशन कभी भी अपने स्किन टोन के अगेंस्ट मत लीजिएगा। अगर जैसे आपका लाइट कॉम्प्लेक्शन है तो फिर आप लाइट लेंगे, अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो फिर डार्क लेंगे, वरना फिर वो फेक लुक देता है। खैर अब मैं आई थी ब्लशन की तरफ। फिट मी का बेस्ट है ये ब्लशन। वैसे फिट मी के सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे हैं, जितने मैंने अब तक यूज़ किए सब मुझे अच्छे लगे। एंड जो फिट मी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी मुझसे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। खैर जो अभी मुझ पे ये शेड चेक कर रही हैं, ये थोड़ा सा शिमरी था, मुझे ब्लश एंड शिमरी बिल्कुल नहीं पसंद, वो आपका फेक लुक देता है। एक नेचुरल लुक होता है ना, नेचुरल आपके रेड चीक्स लगे, वो लुक नहीं आता पर शिमरी ब्लशन में। मैंने इनसे कहा आप मुझे बिल्कुल मैट ब्लशन दिखाएं और ये बेस्ट था, इसका शेड मुझे बहुत पसंद आया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। शॉपिंग के साथ इन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग इजीली ले सकें, आसानी हो जाएगी ना। मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ आप शिद्दत से चाहो वो आपको ज़रूर मिलती है, तो यहाँ मुझे अपना कंडीशनर मिल गया है और रोज़ वाटर तो भाई मुझे जहाँ दिख जाए मैं फ़ौरन ही ले लेती हूँ। यस तो अब हम आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ क्रॉकरी आइटम बहुत ही अच्छा है, घर का डेकोरेशन आइटम है। घर का अगर आप कोई भी चीज़ लेनी हो लाइक सोफे वगैरह तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इफ़ किसी को होम डेकोर पसंद है तो वो यहाँ विजिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होम डेकोर की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ डेकोरेशन आइटम्स रीजनेबल प्राइस में हैं और कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ग्रॉसरी डन हो चुकी है एंड अब हम जा रहे हैं बाहर, और जो मैंने गिफ्ट का कहा था तो अब उस गिफ्ट का टाइम आता है। देन इन्होंने बिल चेक किया और फिर मुझसे कहा कि आपने व्हील स्पिन करना है और फिर आप एक गिफ्ट जीतेंगी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने व्हील स्पिन किया और देखे मैंने क्या जीता। लिटरली मैंने सोचा था शायद कोई अच्छा सा आइटम होगा, लेकिन यहाँ सारा वही आइटम है जो मैं लेके आ चुकी हूँ एंड इन्हीं में से एक आइटम विन करूँगी जो आप देखेंगे अभी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं जीती हूँ कोलगेट एंड अब घर आ गई हूँ और समोसे लेते हुए आए थे हम लोग, दिल कर रहा था, भूख भी लग रही थी, तो बस अब समोसे खाते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है समोसे तो मेरे फेवरेट हैं। ओके देन, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ये अपना ब्रश जो लेकर आई थी वो दिखाऊं, इसका प्रिंट चेक करें कितना मज़े का प्रिंट है और यूनिक सा लग रहा था, तो मैंने कहा बस ये लेना है। ऐसा होता है ना कि आपका एक चीज़ पर दिल आ जाता है, मेरा तो यही है कि मेरा अगर एक चीज़ पर दिल आ जाए ना तो मैं कहती हूँ कि मैं ले लूँ, और अगर मैं नहीं लेती और वो चीज़ सेल हो जाती है तो मेरा इतना दिल दुखता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई, हर चीज़ ईजिली मिल गई थी। पूरे ब्लॉग में मेरी यही कोशिश रही कि ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए एंड जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसका रिव्यू अच्छे से दे सकूँ ताकि आपके ब्लॉग काम आए। होप यू लाइक माई ब्लॉग and please don't forget to like, share and subscribe my channel and do comments please, I want to know your opinion and don't forget to follow me on Instagram। aap logo ke liye isi tarah ke maze maze ke aur useful vlogs lati rahungi, to please do subscribe now, remember me and my family in your duas। milte hain next vlog mein, take care and Allah Hafiz।